आप देख सकते हैं ये जो स्टेपनी का टायर हम चेंज करेंगे, तो ये जो टायर है फटा हुआ है। आइए दिखाइए जो टायर की जो कंडीशन है वो देख लेंगे हम, इसको चेंज करेंगे। दो सौ 95/80 22.5 का टायर है। ये जो ट्यूबलेस टायर है बहुत खतरनाक फट चुका है, तो सेकंड हैंड ने तो नया टायर डालेंगे। कैलाश दादा, हम एक बात पूछना चाहते थे आपको, तो टायर नया डालेंगे कि सेकंड डालेंगे? सेकंड नया क्यों डाले, पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, चलो ठीक है, हम अपनी बात को मानते हैं, हमारी शॉप पे लेके चल जाते हैं टायर। चलो, ये जो आशु रुचि कंपनी का जो ट्रैवल्स है 99/04। चलिए टायर खोलना शुरुआत करते हैं। तो हमारी चैनल में अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जो अपडेट्स रहते आपको आप तक पहुँचे। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे भी आप सोचते होंगे ट्यूबलेस टायर 22.5 जो टायर है ट्यूबलेस, वो खोलना आसान है, बहुत आसान है, पर उतना आसान नहीं है गाइस। मेरी बात गौर से समझिए। तो ये जो खोलने का जो तरीका है, ऊपर से मैंने पानी मार के ऊपर से हथौड़े से ढीला करा वो टायर, ढीला करने के बाद ही टायर खोल पाएंगे। जो ये ऊपर लगा रहा हूँ मैं, जो पुराना वाला ऑयल है वो उस वही इस्तेमाल करता हूँ। तो ये पुराना वाला ऑयल लगाने के बाद जो टायर खोलने की जो मेहनत है बहुत कम होती है। तो खोलने का जो तरीका है आप देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, ऑनलाइन के जरिए जो टूल्स मंगवाते हैं, तो वैसे ही मैंने कुछ ऑनलाइन के जरिए स्क्रीन शॉट करके मैंने ये जो टूल्स है मेरे दिमाग से, और मैं कबड्डी वाले से कुछ सामान खरीद कर मैं खुद बनवाया है, लोहार से बनवाया है। गाइस देख सकते हैं, मैंने बहुत पैसे मेरे बचाए। तो गाइस ये जो टूल्स मेरे को कम से कम 2500 में गिरा हुआ है। तो ये टूल्स के ज़रिए मैंने अभी तक कम से कम 40 तो 50 टायर खोल चुके हैं। तो इतना टूल्स बनवाने के समय शुरुआत में मेरे से गलती हो गई थी, तो मैंने ये टूल्स को दोबारा रिपेयर करके सही इस्तेमाल हो रहा है गाइस। टूल्स की वजह से मेरी बहुत मेहनत, देख सकते हैं जो नीचे का टायर जो खोलने का जो अंदर से टूल्स अटका हुआ है, तो इसको बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने का जो तरीका है आप देख सकते हैं। तो गाइज हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।